काश आज मेरे पास हैरी पॉटर वाली स्टिक होती, जिसे घुमाकर मैं इस दुनिया में उस इंसान को फिर वापस ला सकती जो अब हमारे बीच नहीं है। लंबी चौड़ी कदकाठी, फर वाला ओवरकोट, रात के अंधेरे में लालटेन लेकर चलना और हैरी पॉटर को मैजिकल स्कूल में ले जाने वाला। कौन ही भूल सकता है सबके प्यारे रूबियस हैग्रिड AKA रॉबी कोल्ट्रेन अब हमारे बीच नहीं है। 72 साल की उम्र में रूबियस हैग्रिड का निधन हो गया है। इस खबर ने मानो सभी लोगों का दिल तोड़ दिया है और इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। आइए आज हम बात करते हैं रॉबी कोल्ट्रेन की उस एक्टिंग और स्ट्रगल की जादुई दुनिया के बारे में, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। रॉबी कोल्ट्रेन का जन्म 30 मार्च 1950 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। उनका असली नाम एंथोनी रॉबर्ट मैकमिलन था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रॉबी एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने गए तो उन्हें काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्री में मिली हार के बाद रॉबी ने क्लब में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी मजा भी आने लगा। कोल्ट्रेन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने फ्लैश गार्डन, ब्लैकेंडर और कीप इट इन द फैमिली जैसे शो में उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने अ किक ऑफ द 80s, द कॉमिक स्ट्रिप और एल्फ्रेस्को जैसे कॉमेडी शोज में भी काम किया था। लेकिन जिस सीरीज से रॉबी को घर घर जाना जाने लगा वो सीरीज थी हैरी पॉटर, जिसे देखने के बाद सब ये समझ बैठे थे कि सचमुच एक जादुई स्कूल है जहाँ रूबियस हैग्रिड जैसा एक जायंट भी काम करता है और वो हैरी पॉटर का सबसे अच्छा दोस्त है। इस मशहूर फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2001 में हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन के साथ हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी अवार्ड भी जीते थे और अब हम सब रूबियस हैग्रिड के उस किरदार को जरूर मिस करेंगे। एंटरटेनमेंट की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए ENT Live।